नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल ब्लेसिंग चैनल में। वोकैब विद फन की ये पहली वीडियो है इस सीरीज की। देखो दोस्तों, वोकैब की बहुत अहमियत है, हम जानते हैं वोकैब आनी हमें बहुत ज़रूरी है एग्ज़ाम के लिए। तो हम वोकैब को कैसे याद रखें मैं बताता हूँ इस वीडियो में। बस आपको करना क्या है, आपको सिर्फ और सिर्फ ध्यान से एक बार इस वीडियो को देखना है, सुनना है। देखो दोस्तों, पहला जो शब्द है आपकी स्क्रीन पर है सवांत, SAVANT, सवांत। सवांत मैनी बुद्धिमान। हम इसको क्या करते हैं, हम इसको सावंत पढ़ लेते हैं। सावंत मतलब राखी सावंत। तो राखी सावंत बहुत ही बुद्धिमान अभिनेत्री है। सवांत मैनी बुद्धिमान, राखी सावंत बहुत ही बुद्धिमान अभिनेत्री है। आपको ये वर्ड जब भी आप देखोगे आपको याद रह जाएगा। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है अपैजी, APOGEE, अपैजी। अपैजी हम इसको अपोज, अपैजी का मतलब होता है शिखर, शिखर पर चढ़ना या जो चरण सीमा होती है उस पर। तो देखो अपैजी को हम अपोज पढ़ लेते हैं, APOG, अपोज। अपोज अपोज का मतलब होता है विरोध करना। हम इसको याद कैसे करें कि केजरीवाल ने मोदी को अपोज किया, मतलब विरोध किया। केजरीवाल ने मोदी को अपोज किया जिससे कि वह शिखर पर, मोदी शिखर पर पहुंच गया। सॉरी, हम जिसको भी क्रिटिसाइज करते हैं, जैसे कि पद्मावती फिल्म को लेकर बवाल हुआ, तो हुआ क्या है कि उसकी TRP बढ़ गई, तो वो शिखर पर पहुंच गई। ऐसे ही हम किसी को अपोज करते हैं तो वो शिखर पर चढ़ जाता है। तो ऐसे ही हम अपैजी को हम याद कर सकते हैं, अपोज को याद किया कि विरोध करना, विरोध किया तो वो शिखर पर चढ़ गया। नेक्स्ट वर्ड है जो वो है रांची, RANCHY, रांची। रांची को हम, रांची मतलब बद्दा या गंदा। तो हम इसको कैसे याद करें कि रांची को हम रांची पढ़े, रांची एक शहर है, रांची। तो रांची शहर बहुत ही बद्दा या गंदा शहर है। आप जब भी ये वर्ड देखोगे आपको याद रह जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है कैजोल, CAJOLE, कैजोल। कैजोल मतलब चापलूसी करना, या हम इसको कहते हैं कि एप्पल पॉलिश। तो कैजोल को हम कैसे याद करें कि कैजोल को हम काजोल पढ़े, काजोल। काजोल एक अभिनेत्री है, हम जानते हैं। तो हम कैजोल का मतलब होता है चापलूसी करना, कि आप काजोल की चापलूसी मत करें, आप काजोल अभिनेत्री की चापलूसी मत करें। आपको याद हो जाएगा ये शब्द भी। नेक्स्ट वर्ड है कोवनेंट, COVENANT, कोवनेंट, COVENANT। तो देखो दोस्तों, लास्ट में जो तीन जो अल्फाबेट है ANT, कोवनेंट, COVENANT। तो लास्ट में जो ANT है उसको हम आंट पढ़ते हैं, आंट मैनी चीटी। और स्टार्टिंग में क्या है, COV, COVE, COVE मतलब कोआ, एक पंछी है, कोआ और आंट, कोआ और चीटी में समझौता हो गया। कोवनेंट मतलब समझौता होना, तो कोवनेंट कोआ और चीटी में समझौता हो गया। कोवनेंट यानी समझौता होना। नेक्स्ट जो शब्द है कैप्रेसेस मतलब चेंजेबल, बदलने वाला, कैप्रेसेस। तो हम इसको कैसे याद करें, CAPRICIOUS, कैप्रेसेस। तो CAP पढ़ते हैं उसको, कैप मानी जो सिर पर पहनते हैं, कैप। और फिर आप CA को छोड़कर लास्ट में फिर पढ़े थे थर्ड वर्ड प्राइज, PRICE, इतना ही है, PRICE को आप प्राइज पढ़े, तो कैप का जो प्राइज होता है बहुत ही चेंजेबल होता है, कैप का प्राइज बदलने वाला होता है मार्केट में। नेक्स्ट वर्ड जो देखें आप, डीवीएस का मतलब होता है, देखो डीवीएस, तो हम जब देवी जब लिखते हैं, DEVI, देवी लिखते हैं, तो हम उसको देवी पढ़ें। तो DVS को आप जो स्टार्टिंग में जो चार वर्ड है उसको देवी पढ़ें, DVS का मतलब होता है घुमावदार। तो DVS, तो हम जब देवी से मिल, देख DVS, स्टार्टिंग में जो DEVI है उसको देवी पढ़ें, अस, DVS, OUS, तो देवी से,
तो इसको हम कैसे याद करें? वैष्णो देवी से जब भी मिलने के लिए आप जाओगे तो आपको घुमावदार रास्ते से होकर जाना पड़ेगा। देवी से जब भी मिलने के लिए जाओगे तो आपको घुमावदार रास्ते से होकर जाना पड़ेगा। देवी का मतलब घुमावदार होता है। नेक्स्ट वर्ड है पेंसिव, PENSIVE, पेंसिव, PENSIVE, पेंसिव। देखो पेन कलम, पेन शिव, शिव भगवान भी हो सकता है या कोई पर्सन। देखो पेंसिव का मतलब होता है विचार मगन होना या विचार मगन। तो हम इसको कैसे याद करें? पेन को लेकर जैसे ही शिव बैठते हैं, पेन को लेकर, पेंसिव, पेन को लेकर जब भी शिव बैठते हैं तो विचार मगन हो जाते हैं। तो पेंसिव का मतलब होता है विचार मगन होना। नेक्स्ट वर्ड है बेलकस, बेलकस, BELLICOSE, बेलकस। तो बेलकस को हम क्या कैसे याद कर सकते हैं? देखो बेलकस, सो स्टार्टिंग में BELLL है और आई है, उसको हम बिल्ली पढ़ लेते हैं, बिल्ली, बेलकस बिल्ली, और लास्ट में COSE है तो हम इसको कोज, कोज, ग्लूकोज। तो बेलकस का मतलब होता है झगड़ालू, बेलकस का मतलब होता है झगड़ालू, प्रवृत्ति का या झगड़ालू। तो बेलकस BELLI, हम इसको बिल्ली पढ़ लेते हैं एक बार, बिल्ली, लास्ट में COSE, कोज, कोज, ग्लूकोज, बिल्ली ग्लूकोज, ग्लूकोज। तो बिल्ली ग्लूकोज पीकर झगड़ालू हो गई है, बिल्ली ग्लूकोज पीकर झगड़ालू हो गई है, बेलकस मतलब झगड़ालू। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेल, फ्रेल, FRAIL, फ्रेल, FRAIL, फ्रेल, फ्रेल। देखो फ्रेल, जो F को यदि हटा दिया जाए तो लास्ट में क्या है? RAIL, रेल। तो रेल हम जानते हैं, रेलगाड़ी, रेल। जो F है उससे आप फ्री, फ्री लगा सकते हैं, फ्री रेल, फ्री रेल। देखो इफ, जो फ्रेल का मतलब जो होता है वो उसका मतलब होता है कमजोर, कमजोर होना या कमजोर, फ्रेल। तो हम इसको कैसे याद करें? जो इसको फ्री रेल, एफ फ्री को डिनोट करता है, जो रेल है वो रेल, फ्री रेल, फ्री रेल। देखो फ्री में रेल की यात्रा करोगे, यदि हम फ्री में रेल की यात्रा करते हैं तो जो रेल मंत्रालय है वो कमजोर हो जाता है। तो जब भी हम फ्री में ट्रेन कर में सफ़र करते हैं तो रेल मंत्रालय को घाटा पड़ता है या कमज़ोर होता है। तो हम इसको कह सकते हैं कि फ्री में रेल की यात्रा करोगे तो रेल मंत्रालय कमज़ोर हो जाएगा। देखो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में हम और वोकैब लाएंगे। हाँ एक बार एक रिपीट कर लेते हैं। देखो सवान, सवान पैनी, क्या बताया था कि राखी सावंत बहुत ही बुद्धिमान अभिनेत्री है, तो सवान मतलब बुद्धिमान। नेक्स्ट वर्ड अपेजी, अपेजी, अपेजी मतलब अपोज, अपोज, अपोज का मतलब विरोध, विरोध करते हैं तो शिखर पर चढ़ जाते हैं, तो शिखर, अपेजी मतलब शिखर पर चढ़ना। नेक्स्ट वर्ड है रांची, रांची, एक रांची शहर है वो बहुत ही बद्दा या गंदा, गंदा शहर है, तो रांची मतलब बद्दा या गंदा। नेक्स्ट वर्ड था कैजोल, कैजोल मतलब काजोल, काजोल अभिनेत्री की आप क्या ना करें, चापलूसी मत करें। नेक्स्ट वर्ड था कवनेंट, कवनेंट, कोवा और आंट, कोवा और आंट में क्या हो गया, समझौता हो गया। नेक्स्ट वर्ड था कैप्रेसेस, कैप्रेसेस, तो कैप प्राइस, कैप का प्राइस बहुत ही क्या है, चेंजेबल, मार्केट में क्या है, बदलने वाला, इसका मतलब कैप्रेसेस मतलब बदलने वाला। नेक्स्ट है डीवियस, डीवियस, डीवियस मतलब देवी, हमने पढ़ा था स्टार्टिंग में देवी, डीवियस, DEVI, देवी से, देवी का से मिलने के लिए जाएंगे तो बहुत ही घुमावदार रास्ते से जाना पड़ेगा। नेक्स्ट वर्ड था पेंसिव, पेंसिव, PENSIVE, पेंसिव, पेन, पेन और शिव, पेन को लेकर शिव जब भी बैठते हैं तो विचार मगन हो जाते हैं, तो पेंसिव मतलब विचार मगन होना। नेक्स्ट वर्ड था बेलकस, इसको हमने बिल्ली, बेलकस को हमने क्या पढ़ा था, बिल्ली ग्लूकोज, बिल्ली ग्लूकोज पीकर क्या हो गई, झगड़ालू हो गई, बेलकस मतलब बिल्ली ग्लूकोज पीकर झगड़ालू हो गई। नेक्स्ट वर्ड था फ्रेल, फ्रेल, FRAIL, फ्रेल, तो फ्री रेल, फ्री रेल। आप जब भी सफ़र करेंगे, फ्री में यात्रा करेंगे, रेल मंत्रालय कमज़ोर हो जाएगा, तो फ्रेल मतलब कमज़ोर होना। अच्छा दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना,
अगर कुछ कमी रही हो वो भी आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूँ। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।